नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। तो दोस्तों, PMT BMS एंड BHMS एग्ज़ाम्स है, जो एक ही एग्ज़ाम है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है 2017 का। ये 20 अगस्त को हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि 50-50 मार्क्स से हर क्वेश्चन आ रखा था, 50 फिजिक्स, 50 बायो एंड 50 केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन क्वेश्चंस बताऊंगा बस मैं आपको इस बेस पे कि PMT एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जिससे जिनका नहीं हुआ है उनको थोड़ा हेल्प मिलेगी कि किस टॉपिक से आ रखे हैं क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ बायो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। नेक्स्ट हमारे पास है, बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इस मैग्निफीरा इंडिका। फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन में प्रपोज्ड बाय, ये है। अगला फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग शो साइम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अल्गल एंड फंगल कॉम्पोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोसेस एंड लेबर बर्ड्स आर। सेवन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्यूसीडो क्यूरमेट्स। नेक्स्ट एट क्वेश्चन है, जंक्शंस इज द एपिथैलम विच फैसिलिटेट्स द सेल टू कम्युनिकेट विद नेबर्स सेल्स। ठीक है, इसका आंसर आप आंसर खुद दें क्योंकि इसकी अभी आंसर किया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर रूट्स टू हैव। एंड टेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अब्सेंट इन अ वस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस बात करते हैं। 11th क्वेश्चन, क्लिटियम इज अ मेचर एयरवॉर्म इज एन नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन कॉकरोच आर एक्सक्रीटेड एज। एंड 13th क्वेश्चन, टाइम्फेनम इन फ्रॉग इज एसोसिएटेड विद। 14th क्वेश्चन, रेस्पिरेशन थ्रू वोकल कैविटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। 15th क्वेश्चन, लार्ज वेल स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म इज। एंड ये बस मैं आपको अब इसमें क्वेश्चन ही बता रहा हूँ और आंसर आप खुद पता कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन, क्लोकल अपर्चर इन फ्रॉग इज आउटर लाइट फॉर फिशेस। प्रोकैरियोटिक सेल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर प्रोकैरियोटिक। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इसको, एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स सिंबलाइज किस में करते हैं। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन है, एट एटीपी प्रोड्यूस कर एटीपी। विच ऑफ फ्लोइंग इज अ ब्राइट और ब्लू ग्रीन क्रोमेटोग्राफ, तो क्लोरोफिल ए। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इन विच इन प्लांट्स विच ऑफ फ्लोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपोगेल। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट में चलते हैं। 26th क्वेश्चन, द जुविनाइल फेज ऑफ द एनिमल इज डैशिंग प्लांट्स। इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टेम एनाइलेट इज मेल फ्लावर है। एंड हेट्रोथैलिक डिस्क्राइब क्या डिस्क्राइब करता है, डिप्लोमाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फ्रूट फिली क्या कितने होते हैं। एंड पार्थिनोजोसियस इज क्या बोलते हैं हम इसको, ये आप खुद पता कर सकते हैं। एंड 31 है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। 33 है, इनसाइड द ओवरी ऑफ एंगियोस्पर्म्स ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा आपको क्लास 10th में मिल जाएगा, क्लास 10th का टॉपिक है और क्लास 12th का टॉपिक है लहसुन का। कोटिलेडन्स इज ग्रास फैमिली, इसको हम क्या बोल सकते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म विद एंजाइम इज, मैं आपको बस क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन। एंड 36, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सेक्स डिटर्मिनेशन इज चिकन इज। विच ऑफ फ्लोइंग हैज आरएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल। द डीएनए सीक्वेंस हूज प्रेजेंस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टार्ट इस कॉल्ड, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन एक्यूरेट, इसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑर्गेनिज्म इज सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। 42 का है, विच ऑफ फ्लोइंग जीनोटाइप कॉजेस क्लिनफेलर सिंड्रोम। 43 है, प्रोटीन्स दैट असिस्ट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमर्स टू प्रोमोटर रीजंस ऑन डीएनए स्ट्रैंड और गर्ल्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग रिप्रोड्यूस करता है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, तो कोनिडिया। 45 है, डाउन सिंड्रोम इज करेक्ट सिक्स बाय, किससे करेक्ट सिक्स होता है।
एंड 46 हमारे पास क्वेश्चन है, अर्थ्रोस्क्लेरोसिस इज क्या बोलते हैं हम इसको, लेडिंग सेल एंड देयर सीक्रेशन इज रिलेटेड टू, किससे होता है, टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन। द सक्सेशन ऑफ प्लांट्स दैट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन इज कोटेड बाय जीनी क्राई। नेक्स्ट, अ सब्सटेंस विच कंटेन कॉन्ट्रैक्ट्स द डिट्रोशन ऑफ स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट्स और रिमूव करता है पोटेंशियली डैमेजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। और दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन हमारे पास ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज C2H6H12O6 रिक्वायर टू प्रिपेयर 2L ऑफ 2 पॉइंट सोल्यूशन इज, ये विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बेस फिजिकल क्वांटिटी, विच ऑफ टू ये तो आप कर सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल, तो हमारे पास ये आप क्लास प्लस वन का टॉपिक है, क्लास प्लस वन का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का पढ़ सकते हैं। एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये हमारे पास क्लास प्लस वन का थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर क्लास प्लस वन का। नेक्स्ट हमारे पास आया है हाइएस्ट वैल्यू ऑफ आइसोलेशन एंथैल्पी, ये भी हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट से आया है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू डाइपोल, मोमेंट ऑफ N2BCl एंड Fe F3 ऑल इक्वल टू जीरो। हाइएस्ट वैल्यू आइसोलेशन एंथैल्पी की, फर्स्ट आइसोलेशन एंथैल्पी आइसोलेट एलिमेंट विद किसके, आइसोलेशन एंथैल्पी हाइएस्ट आइसोलेशन एंथैल्पी होती है 18 की, क्योंकि वो क्योंकि हम उनको क्या बोलते हैं, नॉवल गैसेस बोलते हैं, और वो उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो फिल आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है O2 का कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से वो सही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास प्लस वन में है और ये स्टेट्स ऑफ मैटर में है, जैसे मैटर ऑफ 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस अंडर सेम कंडीशन इज अ रियल गैस एग्जैक्ट मोर, हाँ आप देख सकते हैं लीटर फ्लास्क 11.2 ग्राम, ये देख लो। नेक्स्ट की फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, ये भी हमारे पास क्लास प्लस वन में है एंथैल्पी का, विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ट्रू सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपके पास आता है, एंड ये सारे आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको सोल्व करने पड़ेंगे या देखने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच स्पीसीज विल नो अंडरगो डिसप्रोपगेशन Cl O2- - द केमिकल नेचर वाटर का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चर बाय विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ट्रू डाइपोल, विच मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स विद डिफरेंस अ गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग इट लिस्ट कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल्स कंटेन करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व इन। नेक्स्ट हमारे पास 72 एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, 73 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज, एंड नेक्स्ट इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड एलेटोसाइट, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आते हैं आपके। एंड नेक्स्ट 75 क्वेश्चन हमारे पास आता है इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फॉर द रोलेट लॉ, रोलेट लॉ आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये आपको करने पड़ेंगे, सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। करेक्ट क्वेश्चन जियोलाइट्स आर नॉट, क्या नहीं होते हैं, कौन सा इज नॉट अ प्रोसेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओट्स होता है, ये आपको इनकरेक्ट करेक्ट करने होते हैं, बताना इन कौन से इनकरेक्ट होता है, करेक्ट होता है द गैस लीज्ड व्हेन कॉपर चिप्स आर एडेड टू कंस्ट्रक्ट सल्फ्यूरिक एसिड, ट्रांसिशन सीरीज में लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन सीरीज ऑफ द फोर एलिमेंट्स, तो नेक्स्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कोबाल्ट CO Cl2 Cl R क्या लिखा है ये रिस्पेक्टिवली, तो आपको इसमें आंसर देना पड़ेगा फॉर रिएक्शन 1- ब्रोमोबुटेन विद एक्वस NaOH, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का टू ब्रोमोबुटेन विद सोडियम एंथ्रोक्साइड इन होल इज, क्या होता है इसका, स्टार्टिंग मटीरियल ऑफ विलियम सिंथेसिस ऑफ द टू मेथोक्सी 2-methane propane R, क्या होता है अरेंज करना है इसको, विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो द एडोर कंसेशन, द गैब्रियल फेथमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ, किस प्रिपरेशन होता है, बेंजीन कैन कन्वर्ट टू अलाइन बाय, एंड ग्लूकोज इज नॉट अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचिंग अ नाइट्रोजिनस बेस टू फर्स्ट पोजिशन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप टू इट्स पोजिशन, तो न्यूक्लियोसाइड होता है। नेक्स्ट थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर क्या होते हैं, एंड नेक्स्ट हमारे पास कैप्रोलैक्टम अंडरगोस, ठीक है, और नेक्स्ट सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, यहाँ से हमारे पास डिटर्जेंट्स, एंड नेक्स्ट हमारे पास चल पड़ा है यहाँ से फिजिक्स।
यहाँ से वहाँ फिजिक्स चल पड़ी है। एंड बीटा डीके इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लिखा है उन्होंने। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन देयर इन 4700, जैसे फोर होती है क्योंकि यहाँ ये है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड, इतना ये तो ऐसे ही क्वेश्चन। वेक्टर फॉर्म में आपको दे रखा है ये आई कैप जे कैप, इट्स एक्सेलरेटेड इज, तो आपको देखना पड़ेगा क्रिकेट बॉल इज थ्रोन 28 मीटर पर सेकंड, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन 20 मीटर पर सेकंड, 30 LB हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का आपको फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू यू का स्क्वायर साइन यू का स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है 2g होता है। तो इसमें सारी वैल्यू पुट करी, इनिशियल वेलोसिटी का 28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन यू का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री कितना होता है आपको पता है, साइन 30 डिग्री 1 अपॉन इसका स्क्वायर होता है तो 1 अपॉन 4 आ गया, एंड इंडक्शन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, ठीक है। एंड इनको हमने ऐसे नहीं करके लिखा, इसको 28 मल्टीप्लाई बाय 28 कर दिया, तो 2 1 2 2 4 8 आ गया, एंड 2 2 2 4 2 14 आ गया 8, इस एंड 7 1 7 7 8 9 7 4 28 7 7 आ गया, एंड 14 2 28 आ गया, एंड ये आ गया 1, एंड 2 से 2 कट गया, तो इसका हमारे पास आया है कितने 10.0 इसका आंसर आया है। एंड अ मास ऑफ 6 kg आपको देख सकते हैं आप, द स्पीड ऑफ कार ऑन अ बैलेंस रोड एट द फ्रिक्शन नॉट डीडेड टू, तो इन्होंने RG अपॉन टेन थीटा लिखा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये आपको सबसे बेस्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल है, कि प्रोजेक्टाइल में आप उसकी वीडियो डाल दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, जी मेंस देख लो हर जगह देख लो, प्रोजेक्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट और डेप्थ बिलो द सी लेवल ग्रेविटी ऑफ अर्थ इन 90% आर ई लेकर 6400 एंड यल्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, एंड डेप्थ ऑफ द 100 मीटर ऑशियन, आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं मैक्सिम, एंड मैथमेटिकल टॉक्सल लो, एंड विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ट्रेड विन फ्लो बिकॉज क्यों फ्लो करती है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस वर्क इज डन, द रेशो ऑफ CP एंड CV फॉर अ मोनो एटमिक गैस, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता, स्पीड साउंड की STP होती है जो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एंड डॉपलर इफेक्ट इज अबाउट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड यूनिफॉर्मली चार्ज इन द थिन स्फेरिकल शेप, द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 1F कैपेसिटर ऑफ सेपरेशन 1 cm इज, वैन डी ग्राफ जनरेटर्स बिल्ड अप वोल्टेज इन ऑर्डर ऑफ, रेजिस्टिविटी इंसुलेटर ग्रेटर देन कैसे होती है, एंड पोटेंशियोमीटर इज यूज टू क्या मेजर करता है ये, ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन सरफेस, और सरफेस पे क्या होता है रेशो क्या होती है साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड द प्रोटो एंड द प्रोटॉन्स इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड इज 1.2, गैल्वेनोमीटर होता है कि इज कन्वर्टेड इन द एमीटर बाय, नेक्स्ट सेल्फ इंड्यूस इज एनालॉगस टू मास होता है, ये मास इन्होंने लिखा है बस, एंड क्वालिटी फैक्टर क्या उज डिफाइंड एज द क्या करता है डिफाइंड, माइक्रोवेव एंड ओवर एक्सप्लोडाइज का क्या करता है एक्सप्लोडेक्स, एंड एस टी मैग्नेटिज्म रिलेटेड टू किससे मैग्नेटिक आइसोलेटेड होता है ये, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है विद द बॉल मास 150 kg ग्राम ट्रैवलिंग ऑन 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेपरेटिंग अ हाइड्रोजन एटम इन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इतना, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है शट डाउन बाय द कैडमियम रोड्स बिकॉज क्यों, GS प्रेफर्ड ओवर SI सोलर्स, ये आपके पास क्वेश्चन है बस, वैसे यहीं खत्म हो गया है, और क्वेश्चन मैंने आपको BMS के बताए हैं, आपको कोई भी दिक्कत पड़ती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको और भी क्वेश्चन पेपर दे सकता हूँ, एंड अगर आपने और भी प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और आप मेरे को बता सकते हैं कि हमने प्रिपरेशन करनी है इस चीज़ की, तो मैं आपको उसे पूरा एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ बायो में फिजिक्स में केमिस्ट्री में, धन्यवाद दोस्तों।